नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती सारी से एक बार फिर आपके सामने कुछ और सारीज लेके। सबसे पहली चीज़ तो मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोगी रहेंगे। पहले कुछ साड़ियाँ दिखाता हूँ फिर अपन मन की बात करते हैं। बहुत सारे बातें हैं इस समय तो बात करने के लिए। ये देखिए नेट पे सारीज रेशम की, पूरे में रेशम काम और बूटियाँ, चारों तरफ बॉर्डर। प्राइस भी सही है 1375 1375। कलर का थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है लाइट की वजह से, चूंकि अब मैं ऊपर बना रहा हूँ ये लाइट की वजह से। कैमरे की क्वालिटी जहाँ पे इस तरीके से आप देख रहे हो, उस मोबाइल की क्वालिटी हर तरीके से फर्क आ जाता है। बड़े आराम से बिक सकती हैं सब सारीज। ये इसका ब्लाउज का पीछे बैक के लिए, ये इसमें पिस्ता कलर 1375। सबके प्राइस सेम है, कलर्स अलग अलग हैं, जो पसंद आए कलर वो आप लीजिए। और ब्लैक इसमें तीन कलर है। ये कलर देखिए इसमें फूल जाल में नेट पे रेशम फूल जाल रेशम का। बीच में देखिए हर फूल में ना मैचिंग के स्टोन्स भी लगाए हुए हैं हर फूल में। यहाँ पर इस तरह से बेल में जगह जगह लगाए हुए हल्के से स्टोन्स दिए हुए हैं। और नीचे गोल्डन बॉर्डर, गोल्डन बॉर्डर आने से क्या हुआ, जरी का गोल्डन बॉर्डर कंट्रास्ट हो गया, उसमें भी स्टोन्स लगाए हुए हैं। और प्राइस वाइज बहुत रीजनेबल है 1825 रुपये 1825। ये देखिए, और आप इसको इजीली बेच सकते हैं, बहुत आराम से बेच सकते हैं। और ये इसकी ब्लाउज के लिए बैक ओवर साड़ी बहुत हैवी है इसलिए स्लीव्स के इसमें नहीं दिया, मतलब स्लीव्स बन जाएंगी, स्लीव्स पे काम नहीं दिया हुआ है। सी ग्रीन पीच गाजरी आपको दिखाई, और ये पिस्ता, पिस्ता भी बहुत प्यारा कलर, गर्मियों में लाइट कलर पिस्ता इस तरह से चलते हैं। और लाइट येलो, हाँ ये कर दी लाइट लेमन येलो, येलो करो येलो कलर लाइट येलो। दो महीने का गैप आ गया, काफ़ी कुछ बदल गया, हर एक की ज़िंदगी बदल गई, हम लोगों की ज़िंदगी बदल गई, रहने के तरीके बदल गए, बहुत कुछ सिखाया इस लॉकडाउन ने। कोरोना ने भी हमें बहुत कुछ सिखा के गया है, भी गया नहीं है कोरोना तो यही है। ये देखिए नेट पे एक और डिज़ाइन रेशम की, इसमें काफ़ी हैवी बूटे बनाए हुए हैं और इसे रबड़ी कलर बोलते हैं, तो रेशम से पूरे में वर्क किया हुआ स्टोन्स लगाए हुए हैं, बारीक स्टोन्स हैं इस तरीके से। और प्राइस वाइज भी आइटम है 1950 1950 रुपये। जाल हमेशा थोड़े सस्ते बैठते हैं बूटों की अपेक्षा, क्योंकि बूटे में मशीन उठती है और फिर दोबारा लगाई जाती है, तो इसमें हमेशा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन गेटअप इसमें ज़्यादा आता है। बाकी चॉइस अपनी अपनी। अब ये सारे पीसेज मेरी ऐप पे अपलोड हैं, ऐप से आप बुकिंग कर सकते हैं। इसमें ब्लाउज है, ये सारे पीसेज मेरी ऐप पे अपलोड हैं। ऐप पे आप देखिए, ऐप के थ्रू क्या है कि आसानी ये रहती है, किसी दिन कस्टमर ने आपसे मान लो नेट पे सारी मांगी रेशम की, अब मैं तो आपको लहंगे भेज रहा हूँ, ठीक है। अगले दिन आप दो दिन बाद कस्टमर आपसे लहंगे मांग रहा है, उस दिन हम अपने स्टोन वर्क की सारीज भेज रहे हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह सब पुरानी चीज़ें, इससे बहुत एडवांस बहुत आगे की चीज़ काम कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं। इसमें ये चार कलर हैं साड़ी, हम बकायदा चेक करके दो बार चेक करने के बाद फिर भेजते हैं, उससे पहले भेजते नहीं है। कलर का वेरिएशन मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सा कैमरे की क्वालिटी की वजह से लग सकता है, लेकिन डिफेक्ट नहीं होता, ये चेक कर लेते हैं। और मैं कोशिश करके वीडियो भी बनाता हूँ, ये बनाना आपको सबको पता है, अनकट वीडियो बनाता हूँ जिसमें कटे नहीं होता, जो बन रही है एक बार में बन रही है, ओरिजिनल है सामने,
उसमें कहीं पे मिक्सिंग, कहीं पे एडिटिंग कुछ भी नहीं करते हैं। एडिट नहीं करता हूँ वीडियो, नहीं तो वीडियोस भी एडिट होती हैं अच्छी डेट में। ये देखिए रिकॉर्ड है इसमें, मतलब रेशम के बूटे नीचे हैवी बॉर्डर जरी का, उसके संग भी यहाँ रेशम लिया हुआ। रेशम पे मैचिंग स्टोन्स अलग दिए हुए हैं, गोल्डन पे स्टोन्स अलग अलग लगे हुए हैं। इस तरीके से काफ़ी हैवी, ये देखिए हैवी लुक वाली साड़ी 2300 रुपये, 2300। जिसका ब्लाउज हो गया स्लीव्स और बैक, और ये भी पीस मेरे सारे पीसेस ऐप पे अपलोड है। स्टॉक अपडेशन में हो सकता है 2-4 दिन हमें लग जाए, क्योंकि बहुत 2 महीने 2.25 महीने से ज़्यादा के टाइम के बाद दुकान खोली है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये देखिए इसमें ये 5 कलर हैं, एक और डिजाइन देखिए मैचिंग, नेट पे मैचिंग रेशम लाइट कलर, लाइट इसे बॉम्बे कलर बोलते हैं, बॉम्बे कलर मैचिंग इस तरीके से बहुत अच्छा लाइट कलर, गर्मियों में अच्छा लगते हैं। इसमें जो फूल बनाए हुए हैं ना, ये मेन खेल इसका है, ये देखिए यहाँ से, और उस पर एक मोती भी बीच में लगाया हुआ है, मैचिंग स्टोन आ रहा है, सब कुछ परफेक्ट। हैवी साड़ी, बूटे भी गैप ज़्यादा नहीं है, 2250 रुपये, 2250। तो बहुत ईजीली आप इन चीज़ों को बेच सकते हैं। अच्छा, साड़ी की भी फोटो जो हम डालते हैं बहुत, मतलब सिंपल खींच के अपलोड करते हैं, ताकि भाई बढ़िया, तो मतलब मॉडलिंग करा लो बहुत बढ़िया लगेगी, जैसे वो होता है ना फेस, वो सारी इस तरह की मॉडलिंग एजेंसी जो होती है चीज ही चेंज कर देती है आपको, जो चाहिए ऐसा हो जाएगा कि भी मतलब लोहा भी सोना दिखेगा, लेकिन अपन वो काम नहीं करते ना। मैं चाहता हूँ सोना ये जाके बढ़िया आपको लगे कि हाँ भाई जो देखा था एक्सपेक्ट कर ली थी उससे ज़्यादा बढ़िया है। इसमें 3 कलर हैं, अब इसमें बीच में एक तो चारों तरफ, पहले तो चारों तरफ देखिए जो जरी का हैवी बॉर्डर, उस पर स्टोन्स लगाए हुए हैं, बीच में ना पल्ले में इस तरह से छड़ियाँ देती हैं, और बीच में उसके जो है जरी की बूटी भी देती है, तो साड़ी की लुक बहुत हैवी होती है। हैवी साड़ी नहीं है, वेडिंग पर्पज से ही होती है। और ये इसमें नीचे पूरे में जाल, स्कर्ट में ये देखिए जाल दिया हुआ पूरा, और प्राइस है 2750, 2750 रुपये की ये साड़ी है। और ये इसका ब्लाउज हो गया, ब्लाउज भी फ्रंट और बैक दोनों दी हुई, इसमें ये 2 कलर हैं, एक ही ग्रे और ये सिल्वर। ये देखिए हैवी जाल का डिजाइन, पूरे में बारीक भरा हुआ जाल, बीच में जरी की बूटी, नीचे भी क्या है ये देखिए जरी की, पूरे में काम है, और बीच में बूटी, हर पत्ती में रेशम का भरा हुआ है, उसमें रेशम पे मैचिंग स्टोन्स हैं, और जरी पे गोल्डन
स्टोन से इस तरीके से हैवी साड़ी। प्राइस इज बहुत रीजनेबल, 2750 रुपये, 2750 प्लस कोरियर प्लस GST हमेशा एक्स्ट्रा होता है। कोरियर चार्जेस एक्चुअल में यदि कोई शॉप पे आता है तो उससे तो कोरियर लेना नहीं चाहिए ना, तो फिर मैं कैसे लूँ। तो मैं तो यही पता है कि ईमानदारी से काम करो तो ईमानदारी से ज़्यादा बेटर होता है। उससे मैं यदि फालतू 120 रुपये या कोरियर के जो भी चार्ज हैं तो मैं क्यों एक्स्ट्रा लूँ। या कोई आउट ऑफ इंडिया है तो उसको वो उसको तो अलग से देना ही है भाई, उससे वो प्राइस क्यों एक्स्ट्रा लिए जाए। तो एक रुपये भी इतने तो चाहिए नहीं ना ईमानदारी से वो मिलता। 2750 रुपये, इसमें ये तीन कलर हैं, तीनों अच्छे कलर हैं। आप देखिए देखिए जी, कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। एक तो रहने का तरीका हमें लोगों को पता चल गया, घर में रहे सब कुछ वो हुआ, घर बहुत अच्छा, घर के बारे में भी बहुत पता चला। पहले हम कोरोना के बारे में बात करेंगे। काफ़ी डॉक्टर्स से मेरी बात हुई, मैंने बात करी और गवर्नमेंट ने भी सोच के किया, अल्टीमेटली निकलना तो बाहर पड़ेगा, बाहर निकले बगैर गुजारा नहीं है, नहीं पॉसिबल नहीं है ना। 2 महीने नहीं निकलो, 4 महीने नहीं निकलो, 6 महीने नहीं निकलो, साल भर नहीं निकलो, साल भर की बात तो निकलोगे, निकलना तो पड़ेगा ना, पहली चीज। अब दूसरी बात ये है, आप सोच रहे हो मैं नहीं जाऊँगा, बिल्कुल ठीक है नहीं जाओ। सब्जी घर में आ रही है, वेजिटेबल्स आ रहे हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, मिल्क आ रहा है, दूध कहीं से भी आ जाएगा किसी के साथ भी, फिर क्या करोगे, तरीका ये नहीं है। यही सोच के गवर्नमेंट ने खोला है। अब कहीं से भी आ जाएगा, एक तो ये, यदि मान लो इसका इलाज आ भी जाता, कोई वैक्सीन आ भी गई, ठीक है वैक्सीन आ गई, दुनिया की आबादी समझो 8 अरब यानी 800 करोड़, एक साल में मैक्सिमम कितनी डोज बनाती है, 1 करोड़ मैक्सिमम, यदि अभी आ गई 2 करोड़ 5 करोड़ पॉसिबल नहीं है। 10 करोड़ डोज भी बनाएंगे तो कितने साल लग जाएंगे, कितने साल लग जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, हर एक को मिलेगी ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। अभी आ नहीं रही, 2-4 महीने में, 6 महीने में, महीने 2 महीने में आ नहीं रही। फिर तरीका क्या, तरीका यही है, हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करें, हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करें। आएगा मतलब इम्यूनिटी बूस्ट करना है, मैं अपने आप को उसके से लड़ने के लिए तैयार करें। बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं, अंदर से हिम्मत रखनी है, कहने की बात है। बाकी जिसको हो जाता है वो उससे पूछो घबराहट क्या होती है, कोई इलाज नहीं है कैसे, लेकिन हाँ ठीक है, स्टीम लें, सभी को पता है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, गरारे करो, सभी को पता है, नमक और हल्दी डाल के, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। या और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गिलोय ले लो, तुलसी ले लो, इस तरह की चीज़ें, सुबह लहसुन की एक, हालांकि मैं भी नहीं खाता था लेकिन अब मजबूरी में सब कुछ करना पड़ा, एक लहसुन की करी खाली पेट, वो भी पानी के संग ले लेते हैं। और जो है विटामिन सी के लिए नींबू ले लो, इस तरह की इन चीज़ों के अलावा डॉक्टर्स के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, वो भी यही कह रहे हैं, कहने भाई सब ये चीज़ें लो, इम्यूनिटी बूस्ट कर लो, कोरोना आएगा भी तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आएगा ही। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको हो चुका और ठीक भी होगा, उन्हें पता भी नहीं है हो गए, ठीक भी नहीं है, सच्चाई है इसमें, वो खास बात नहीं है। तो हम भी यही सोच के जब गवर्नमेंट ने खोला, यही सब डॉक्टर से डिस्कस किया, ये सब किया, बाहर निकले, अल्टीमेटली साइकिल तो घूमेगी। हाँ इसमें प्रॉब्लम्स किन को आएंगी, प्रॉब्लम्स किन को आएंगी, खासतौर पर जो आ रही हैं, आ भी रही हैं, और जिनको किन को आएंगी, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको शुगर है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, या कोई और प्रॉब्लम है, ये तो बहुत सारे लोगों को है, उसके लिए क्या करें, योगा, आपको योगा करना पड़ेगा।
करना चाहिए, किसी धर्म से मत जोड़ो यार, कुछ मत करो, सब कुछ सारे इंसान है, मुझे एक बार पता है भाई। देखिए बहुत सारे धर्मों में ओम नहीं है, आमीन कह लो, क्या फर्क पड़ता है यार, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग एक्सरसाइज आप योग करो, एक्सरसाइज करो, बहुत अर्थ सेम थी। मैं एक किस्सा बताता हूँ, अभी मुझे भी पता चला, पहले नहीं पता था। 9/11 मुंबई हमले में एक आदमी को पास से AK-47 से गोली लगी, उन्होंने हमला किया था, तो उसका जो फेफड़ा था फट के पीछे निकल गया, गोली पास से लगी थी, फेफड़ा फट गया, पीछे निकल गया, यानी कि मैं चल नहीं, बच तो गया, चलना मेरा बस चल पाता था जैसे तैसे करके, मैं मुझे बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गई, 2-6 महीने तो वो बेड पे रहा, उसके बाद उसने प्राणायाम वगैरह शुरू करा, योगा करा, कहते पागलों की तरह किया, 3-3, 4-4 घंटे 5-5 घंटे मैं करता था, आ जा सकता नहीं था, 3-3, 4-4 घंटे बाद में उसमें जाके, यू बिलीव, आप विश्वास करेंगे कि उसने साउथ अफ्रीका में जाके मैराथन जीती है, उसने साउथ अफ्रीका में जाके मैराथन जीती है। आप ये सोचो, हम लोग कोशिश करेंगे तो इससे कामयाबी मिलेगी, हम जीत जाएंगे, और हमने जीतना है, घर से बाहर तो अल्टीमेटली निकलना ही निकलना पड़ेगा, बस प्रिकॉशंस हैं, आप भी प्रिकॉशंस लो, हम भी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, मास्क लगाए, इस समय जरूर हटाया, क्योंकि बोलने में फिर क्या होता है कि दिक्कत होती है, मास्क लगा के रखें, हमेशा मास्क बहुत ज़रूरी है, हाथ धोते रहो, सभी को पता है, सैनिटाइजेशन से बेटर है आप सोप से हाथ धोएं। एक इन चीज़ों को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज आना है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, इसलिए ये बात कह रहा हूँ, सैनिटाइजेशन, जो लोग सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं तो उससे नुकसान भी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को पहुँच रहा है, तो बेटर क्या है, हम साबुन से बार बार हाथ धोते रहें, बाकी इम्यूनिटी बूस्ट, इसके अलावा कोई तरीके नहीं है। बस मैं यही चाहूँगा, कोरोना वायरस जो है जल्द से जल्द इस दुनिया से समाप्त हो जाए, अभी तो सब लोग खुश रहेंगे, वापसी जीवन जिएंगे। बाकी इसने बहुत सारी बातें और सिखाई हैं, जो करीब करीब कोशिश करूँगा मैं जल्द से जल्द वीडियोज लाने की, जिस पर हम डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट लेते रहेंगे। बाकी आपके पास कोई सजेशन हो, कोई टॉपिक हो, या कोई ऐसा किस्सा जो आप मेरे संग शेयर करना चाहें, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, ताकि मैं उन चीज़ों पर ध्यान दे सकूँ, क्योंकि उसी से तो मुझे पता चलेगा मुझे क्या करना है क्या नहीं, आप लोग सलाह के बगैर कैसे मैं काम कर पाऊँगा कुछ भी। बाकी इसी तरह प्यार देते रहिए, और सब स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए इन चीज़ों का, प्रिकॉशंस पूरी लें, प्रिकॉशन इज बेटर देन द क्योर, जो प्रिकॉशंस होती हैं वो हमेशा पहले जो है उससे बढ़िया रहती हैं, सावधानियाँ बाद में ठीक कर, बाद में ठीक, वो सबसे बढ़िया है, तो ज़रूर सावधानी रखें। धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो।